ऐसी ऐसी मोटरसाइकिल मांगते हैं आपके एज के बच्चे, पता कैसी, पीछे से उठी हुई, आगे झुकी हुई, अगली सवारी नीचे, उसका टारगेट पीछे। अरे तेरी क्या, अब ये तो देसी है, मैं तो इनको अंग्रेजी सोच रहा था। देसी देसी मत बोला कर, इस देसी की फैन ये दुनिया। अब शुरू शुरू में अपने बच्चे कितने सुंदर होते हैं, मेरा भाई भी बहुत सुंदर था तुम्हारी तरह, वो ऐसे चलता था जैसे जॉन इब्राहिम चल रहे हो, अक्षय कुमार चल रहे हो, उसको गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता कैसे चलता है, जैसे सकुनी में चलते ना, यहाँ लगा क्या भांजे। ओ करीब ये सचमुच इसका ब्याह कराओ, और चल ले मुझे, चलो ठीक है, अरे मजाक है, थोड़ी सी देर मजाक, ठीक है, आयो रेडी। एक तो हंसी की छोटी छोटी बात करेंगे, फिर टेंशन लेना, अपने मस्ती करना, तुम्हारे गानों के बीच में भी ऐसा लग रहा हूं बेस पूरा आ गया, वेलकम है ना, तो ताली बजा के बताओ एक बार, वेरी गुड। कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, और मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं, और मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। अरे यार तुम तो गजब सुनने वाले हो, मजा आ गया, एक बार जोरदार खुद के लिए ताली बजाओ इस सारे को। ये सिटी में भी समझ जाता हूं मैं, इनके दिन आए गधे वाले। तो डंकियो शाहरुख खान के साथ बाहर निकल जाते, ठीक है ना, ऐसी ऑडियंस मैंने नहीं देखी, जोरदार ताली बजाओ, मजा आ गया। ये सच्चा टार्जन है, अरे तेरा शेर कहां गया, किसी से पूछा किसी ने कि साहब आप तो बड़े शेर बनते हो, घर में जाते बिल्ली क्यों बन जाते हो, बोलो वहां जगदम्बा सवार हो जाती है मेरे पास। बहुत बढ़िया, आज कितना शानदार ये प्रोग्राम बना है ना इसका नाम, तो आपकी कोई भी मुसीबत हो उसका नाश हो। एक हीरो कह रहा है हीरोइन से कि मेरा जी कर रहा है तेरी जुल्फों से खेल लूं, हीरोइन बेचारी गंजी थी, वीक उतार के दिन खेल कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, और दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। अब खामोश रहना बेटे, क्योंकि जब तुम बड़े हो गए ना तो छोटी छोटी समस्या, एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, दो लाइन सुन के चले जाना, ये शोर मचाना बंद हो जाएगा कि लौट आओ पापा, उसके एक्सपायर हो गए हो फादर, तब अपना बच्चा को एक्सपायर हो जाएगा ना साथ वाला, जब पता चलेगा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे दो मिनट में आते हैं, दो मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। और बहना चुप हो तो मम्मी रोती है, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं, और चॉकलेट के तो आपके बिना सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं।
तो अपने को गंभीर भी होना चाहिए, हमेशा हु हु करता रहेगा तो नंबर भी उड़ जाएंगे ऐसी। बेटे सीट बेल्ट नहीं लगाते कई लोग, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो सर लगता है शीशे में, कईयों का सर मजबूत होता है शीशे से बाहर आ जाता है, लो मैं आ गया, उधर यमराज बैठे रहते हैं आओ राजा आओ राजा आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा लो पी लो नरक का मजा, ताजा कमजोर है मजा नहीं आया ताजा मजा। अब तुम यस मोड पे आए हो, देखो जैसे एज ए ब्रदर समझो, अंकल समझो, लेकिन कोई आता है ना तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको कोई ताले बेटे ऐसे बजाओ, इस हाथ में उस आदमी की तस्वीर देखो जो तुम्हें कम नंबर देता है प्रैक्टिकल में, फिर अपने आप बचेगी। और एक बात, एक लास्ट बात सुन लो, मेरा जीवन सफल बेटे, कोरोना के अंदर अपने रियलिटी पता चली, हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया कि जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपने हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, और जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं। भाई भगवान नाराज हो किसके पास भेजता है बताओ, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर नाराज हो तो एक डॉक्टर कुछ लिखते हैं उसमें पता नहीं चलता लिखा क्या है। मैंने साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ये क्या लिख दिया, बोले इसमें मैंने लिख दिया, मैंने तो लूट लिया तू भी लूट। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में आदर करना भी सीखो, तो कोई नई चीज आपको देना चाहेगा वरना तो शोर मचाते ही रह जाओगे, शोर तो कारखानों में बहुत होता है। मैं चाहता हूं कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे, क्या बात है। तो मेरे साथ मिलके एक चीज बोलो, ये बहुत अच्छी आवाज है, इसके बच्चे के ऐसी जगह कुछ फंसा है ना, ये समस्या बता पा रहा है ना जगह बता पा रहा है, खड़ी हो जो भी आपकी समस्या है ना वो दूर हो जाएगी, कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। थैंक यू।